वन पीस एपिसोड 1069 में लुफी काइडो से हार चुका है, लेकिन एक तरीके से हम बोल सकते थे कि वो थोड़ी सी फेयर फाइट नहीं थी, क्योंकि काइडो और लुफी के फाइट के बीच में CP0 का बंदा आ चुका था जिसके चक्कर में लुफी हार चुका है। लेकिन अभी हमको पता है कि आगे के आने वाले दो एपिसोड में क्या बवाल होने वाला है, इसलिए सारे के सारे लोग ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। अभी वन पीस की मांगा तो काफी दिनों बाद आएगी, इसलिए मैंने डिसाइड करा कि जो पुराने वाले चैप्टर थे जहाँ पर लुफी का गियर 5 दिखाया गया था, चैप्टर 1043 और चैप्टर 1044, जिसकी स्टोरी कंटिन्यू होती है अपने लेटेस्ट एपिसोड से जहाँ पर लुफी काइडो से हार जाता है। लुफी के हारने के बाद मैं मोमानोस की एक चीज नोटिस करने लगता है कि उसको वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स से भी लुफी की आवाज नहीं आ रही है। उसके बाद ही हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वहाँ पर काइडो को विक्टर डिक्लेयर कर दिया गया है, जहाँ पर लिखा रहे थे कि रूफटॉप के बैटल का विनर है काइडो किंग ऑफ द बीस्ट। लेकिन एक तरीके से काइडो इस वाली चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि CP0 वहाँ पर उसके फाइट के बीच में आ जाता है। वहाँ पर काइडो से बोलता है कि तुझे पता तो है ना तूने क्या करा, और गुस्से में आके काइडो उसके सर के ऊपर बहुत जोर से अटैक कर देता है। काइडो के इस अटैक के बाद में ओनिगाशिमा में और एक बहुत बड़ा वाला होल हो जाता है, और ठीक उसे होल के नीचे हमको कावामात्सु भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूरी की पूरी समुराई के साथ में खड़ा है, जहाँ पर कावामात्सु अपने सारे के सारे समुराई को बोल रहा होता है कि यहाँ पर हम अभी इस दुनिया के सबसे खतरनाक जगह पे हैं, क्योंकि ओनिगाशिमा में पूरी की पूरी आग लग चुकी थी और दूर दूर तो कोई भी वाटर का सोर्स नहीं था। जहाँ पर कावामात्सु सबको बोल रहा होता है कि जल्दी से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो, यहाँ पर जिंदा जलने से कोई भी ऑनर नहीं मिलेगा। इनकी बातें हो ही रही थी कि काइडो एकदम से अपना अटैक करते करते नीचे आ जाता है, और नीचे आते काइडो एकदम जोर से चिल्लाता है, बोलता है तुम्हारा लीडर कहाँ है वो बच्चा मोमानोस, उसके जल्दी से उसको मेरे सामने लाओ, उसको बोलो कि मुगीवारा लुफी हार चुके और अभी सरेंडर कर दे, और जिसको अपनी जान पहरी नहीं है वो मेरे से लड़ो और मर जाओ। ये सुन के वहाँ के सारे पायरेट एकदम से खुश हो जाते हैं, लेकिन सारे के सारे समुराई वहाँ पे दुखी हो जाते हैं। वहाँ पर कोई भी बिलीव नहीं करता कि लुफी वहाँ पे काइडो से हार चुका है। उसके बाद हमको कीड और लॉ को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके पास में लड़ने के लिए कोई भी स्ट्रेंथ बची नहीं रहती है, और वही अपना चॉपर और तामा रोने लग जाती है, बोलती है कि लुफी मर नहीं सकता, लुफी कैसे मर गया। और वहाँ पर नामी काइडो के ऊपर जोर से चिल्लाती है, बोलती कि तू लायर है, लुफी मर नहीं सकता, और वहाँ पे वो रोने लग जाती है। नामी की ये बात सुनने के बाद में काइडो नामी के ऊपर बहुत बड़ा वाला अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर मार्को था इसलिए मार्को उसको बचा लेता है। नामी वहाँ पर फुट फुट के रो ही रही थी, तभी मार्को उसको बोलता है कि जब तक ये पूरा खत्म नहीं होता है तब तक गिव अप नहीं करने का। उसके बाद वहाँ पर काइडो अनाउंस कर देता है कि अभी ओनिगाशिमा सीधा फ्लावर कैपिटल पे गिरेगा, अभी उसके लिए कोई भी देर नहीं होने वाली है, मेरे लिए ये वानो कंट्री बस एक वेपन फैक्ट्री की तरह है, यहाँ पर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि छोटे छोटे बच्चे और यहाँ पर औरतें भी है, क्योंकि अभी तुम सारे के सारे बस मेरे स्लेव्स ही हो, और अभी तुमको मरते दम तक मेरे फैक्ट्रीज में काम करना पड़ेगा। जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुमको कोई भी रेस्ट नहीं दिया जाएगा, मैं ओरोचिमारू की तरह सॉफ्ट नहीं हूँ, तुमने मेरे साथ फाइट करके गलती कर दी, अभी एक वार में हारने का नतीजा यही होता है। वहाँ पर सारे के सारे समुराई काइडो से माफी मांगने लग जाते हैं, वो काइडो के बोलते कि कम से कम मेरे बीबी और बच्चों को छोड़ दो, लेकिन वहाँ पर काइडो किसी के भी नहीं मानता, और वहाँ पर काइडो जोर से चिल्ला के सबको बोलता है कि मुझे मोमानोस के लाके दो, जब तक मैं उसको मार नहीं देता तब तक ये सारी चीजें एंड नहीं होगी। काइडो की ये सारी बातें सुनने के बाद में वहाँ पर बीस्ट पायरेट्स को ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, वहाँ पर लॉ और कीड के ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कीड और लॉ को ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, उनके पास में कोई भी डिफेंस नहीं था, लेकिन वहाँ पर उनके क्रू मेंबर्स रहते तो वो लोग उनको बचा लेते हैं। ये सब देखने के बाद में लॉ और कीड एकदम से खड़े हो जाते हैं, बोलते कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं, हम इतनी आसानी से नहीं मरेंगे ना ही सरेंडर करेंगे। वहाँ पर लॉ बोलते कि स्ट्रॉ हैट लुफी तूने ये क्या कर दिया। उसके बाद हमको मोमानोस के और यामाटो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोमानोस के अभी भी ओनिगाशिमा को खींच रहा होता है, जहाँ पर मोमानोस के और यामाटो के बीच में बहस चल रही होती है, जहाँ पर मोमानोस के बोलते कि तुम पागल हो क्या, मैं कैसे काइडो को हरा सकता हूँ जिसके सामने लुफी भी टिक नहीं पाया। जिसपे यामाटो उसको समझा रही होती है कि अभी काइडो बहुत ज्यादा बीटअप हो चुका है, तुमको अपने मरते दम तक फाइट करनी चाहिए, यही तो वे है ना समुराई की लाइफ का, अभी तुम्हारे सिवा काइडो को कोई और हरा नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, और किसी के पास में भी इतनी ताकत नहीं बची कि वो सीधा जाके काइडो से फाइट कर ले। यहाँ पर मोमानोसुके उसे बोलता है कि अभी जितना हम फाइट में एंगेज होंगे उतना ज्यादा लोगों की और जान जाएगी, और अभी लुफी हार चुके थे, हमारे पास कोई और चांस भी नहीं है जो कि काइडो को हरा पाएगा। अभी मुझे कहने में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन हमको अभी सरेंडर कर देना चाहिए अभी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्तों की जान जाए। जहाँ पर यामाटो उसको बोलते कि अगर हमने सरेंडर कर भी दिया हम कुछ टाइम के लिए जिंदा रहेंगे, लेकिन हमको मरते दम तक काम करना पड़ेगा, और काम करते करते हम मर जाएंगे, इससे अच्छा ये रहेगा कि हम साथ में लड़ते लड़ते मर जाएं। इनकी ये सारी बातें हो ही रही थी कि दूसरी साइड में काइडो पागल होकर सबके ऊपर अटैक करे जा रहा था, और ठीक उसके ऊपर हमको लुफी को दिखाया जाता है जो कि अधमरे हालत में पड़ा रहता है, और फिर एक बार फिर से हमको जोनिशा की आवाज सुनाई देती है जो कि मोमानोस को बोल रही होती है कि मोमानोस के मुझे वो सुनाई दे रहा है। वहां पर मोमानोस के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। वहां पर जोनिशा मोमो को रिप्लाई देती है, वो बोलती है कि मुझे ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाज आ रही है, ये पहली बार है 800 सालों में, वो बिना कोई डाउट यहाँ पर हमारे साथ प्रेजेंट है। जहाँ पर मोमो फिर से कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि कौन है यहाँ पे, तुम किसकी बात कर रही हो। तो वहां पर
हमेशा बोलती थी कि जॉय बॉय वो वापस आ चुका है। उसके बाद ही हमको लूफी को दिखाया जाता है जो कि पड़े पड़े हंस रहा होता है और लूफी के बॉडी से कुछ कीचड़ जैसा निकल रहा होता है। वहां पर लूफी बोलता है निका। तो यहाँ तक की स्टोरी हमको एपिसोड 10-17 के अंदर दिखाई जाएगी। उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जब जुनिशा बोलती है कि जॉय बॉय यहाँ पर है, तभी से हमको ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाज सुनाई देने लग जाती है और ड्रम्स ऑफ लिबरेशन के साथ साथ हमको लूफी की हंसने की भी आवाज आती है। वापस बस लूफी हंसे जा रहा था। वो हंसते हंसते बोलता है कि मैं अभी भी स्टील खड़ा हो पा रहा हूँ, मुझे लगा नहीं था इतनी खतरनाक अटैक के बाद मैं जिंदा रहूंगा। वहां पर लूफी अपने अंदर एक अलग ही टाइप की पावर को महसूस कर पा रहा था। उसको वहां पे लग रहा था कि अभी वो कोई भी चीज कर सकता है। मोमो को लूफी की आवाज फिर से सुनाई देने लग जाती है, तभी वो बोलता है कि लूफी ही जॉय बॉय है। वहां पर उसको यकीन नहीं हो रहा था कि लूफी ही जॉय बॉय है। मोमो के साथ साथ वहां पर यामाटो भी रहती तो वो भी एकदम से शॉक में चली जाती कि ये मोमन उसके क्या क्या बड़बड़ा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर सांजी भी होश में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक जोरो का आता पता भी नहीं था। लेकिन ठीक उसके नीचे हमको लॉ और किड का रिएक्शन दिखाया जाता है जो कि आसमान पर देख रहे थे। उन लोग ने भी लूफी की प्रेजेंस को महसूस कर लिया था। लूफी ने इतने जोर से चिल्लाया था कि पूरी की पूरी ओनिगाशिमा पे उसकी आवाज चली गई थी। अब सबको पता चल गया था कि लूफी जिंदा है। वहां पर मार्को नामी और तावा को भी समझा रहा होता है कि रोना बंद करो, लूफी जिंदा है, मरा नहीं हो भाई। इन लोगों ने तो कुछ ज्यादा ही रोना धोना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमको मरीजवा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइव होल्डर बात कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते कि लगातार 800 सालों से हम उस वाले गम गम फ्रूट के पीछे पड़े, लेकिन वो हर बार हमारे हाथ से निकल जाता है क्योंकि वो एक मिथिकल जोवान फ्रूट है और जोवान फ्रूट की तो अपनी खुद की एक विल रहती है, इसलिए वो हमेशा हमारे हाथ से निकल जाता है और हमको अवॉइड करता है। बुरा से तो हमारा एपिसोड 1 से काटते हैं। स्टार्टिंग से हमको बोला जा रहा था कि ये बस एक गम गम फ्रूट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी वाली चीज रिवील होगी जहाँ पर हमको पता चलता है कि एक मिथिकल जोवान फ्रूट है जो कि है ह्यूमन फ्रूट मॉडल निका, जिसको खाने के बाद में उसके यूजर के अंदर रबर्स की प्रॉपर्टीज आ जाती है। लेकिन इस वाले फ्रूट के पावर्स की कोई लिमिट नहीं रहती है, तो लिमिटलेस पावर आ जाती है यूजर के अंदर। बस वो सारी की सारी पावर्स उसकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है। फिर उसके बाद हमको ह्यूरी और हिरोचिमारु की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर फाइनली हिरोचिमारु मर जाता है। भाई इतने टाइम बाद पता नहीं कितने सारों ने इस वाले बंदे को मारने का ट्राई करा, लेकिन आखिर में ये वाला बंदा भी मर चुका है। उसके बाद हमको सीधा लूफी और काइडो के मेन बैटल दिखाई जाती है जहाँ पर लूफी रूफटॉप से अपनी कॉन्क्राके को छोड़ रहा होता है। उसके इफेक्ट से इतने सारे कम विल पावर वाले पायरेट्स रहते हैं वो सारे के सारे बेहोश हो जाती है और उसी की वजह से काइडो लूफी को महसूस कर पा रहा होता है। वो बोलता है ये सब तो रूफटॉप से आ रहा है, पता नहीं रूफटॉप के ऊपर क्या चल रहा है। और काइडो को ये बोलते है भाई रूफटॉप से बहुत बड़ा वाला हाथ आके काइडो को ग्रैब कर लेता है जो कि लूफी का हाथ रहता है और उसको एकदम से ऊपर खींच लेता है, जहाँ पर वह सारे के सारे पायरेट्स और सारे सारे बंदे देखने लग जाते हैं कि एकदम से इतना बड़ा हाथ किसका आ गया और सारे के सारे वापस शॉक में चले जाते हैं। वहां पर लूफी हंसते हंसते काइडो को एकदम से ऊपर खींच लेता है, उसको ओनिगाशिमा के रूफटॉप पे पटक देता है। वहां पर काइडो भी शॉक में चला जाता है, वो बोलता है मुगीवारा लूफी अभी तुम जिंदा हो, लेकिन लूफी वहां पर कैसे रुकने वाला था। वो सीधा काइडो की पूंछ पकड़ के उसको ओनिगाशिमा पे पटकते ही जा रहा था और तभी काउंटर अटैक में काइडो अपनी ब्लास्ट ब्रेथ लूफी के ऊपर कर देता है। काइडो की ब्लास्ट ब्रेथ को रिफ्लेक्ट करने के लिए लूफी पूरी की पूरी जमीन को ऊपर खींच लेता है, पूरा का पूरा जो काइडो का अटैक रहता है वो काइडो के ऊपर ही चला जाता है। फिर उसी बाद हमको लूफी का गेयर 5 दिखाया जाता है जहाँ पर काइडो से माफी मांग रहा होता है। काइडो उसको बोलता है कि सीपी 0 वाले बंदे के लिए सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि हमारी फाइट ऐसी खत्म हो। जहाँ पर लूफी काइडो को बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो अब इसको खत्म करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा वन पीस का एपिसोड 171 भी खत्म हो जाएगा। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।